दोस्तों, किसी गांव में रमेश और राधिका नाम के पति पत्नी रहा करते थे। रमेश बड़ा ही दयालु किस्म का आदमी था और उसकी जो पत्नी राधिका थी वह बड़ी ही चरित्रवान, धार्मिक और निष्ठावान थी। भगवान शिव की वह परम भक्त थी। राधिका नित्य भगवान शिव का पूजन किया करती थी और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करती थी। ये दंपत्ति गरीब थे, लेकिन इनके मन में दया का भाव और पत्नी धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण द्वार पर आया हुआ कोई भी व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं जाता था। भूखे को भोजन कराना और प्यासे को पानी पिलाना इन दोनों पति पत्नी का पहला कर्तव्य था। एक दिन की बात है कि राधिका अपनी झोपड़ी में बैठी हुई ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रही थी। उधर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर बैठे हुए थे। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि देखा पार्वती, तुमने मेरी जो यह भक्त राधिका है, इसका मन इतना पवित्र है कि इसके भाव इतने ऊंचे हैं कि इसके द्वारा किया जाने वाला जप कितनी मधुर वाणी में यह कैलाश पर भी सुनाई दे रहा है। भगवान शिव की बात को सुनकर के माता पार्वती कहने लगी कि हे प्रभु, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। राधिका की इतनी मीठी और मधुर आवाज को सुनकर के मैं भी मंत्रमुग्ध हो गई हूँ। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि पार्वती, तुम जानती हो कि इस झोपड़ी में रमेश और राधिका रहते हैं, जो इस कलयुग के कठिन समय में भी धर्म का आचरण करते हैं। इन दोनों पति पत्नी के धार्मिक आचरण को देख करके दूसरे पुरुष भी धर्म की राह पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर माता पार्वती कहती हैं कि अच्छा स्वामी, तो मुझे सब कुछ विस्तार से बताइए कि ये दोनों कौन हैं और इन पति पत्नी का क्या परिचय है। भगवान शिव कहने लगे कि पार्वती, यह जो राधिका है इस समय में झोपड़ी में अकेली रहती है और इसका जो पति है रमेश, वह इसकी प्रतीक्षा में व्याकुल हमेशा रहती है। जबकि रमेश एक जमींदार के घर छोटा मोटा काम करता है। देखो देवी, रमेश एक लंबे समय के बाद घर लौट रहा है। कठिन परिश्रम से प्राप्त अपनी आय को लेकर के अपनी पत्नी के पास जा रहा है। उसे अपनी पत्नी उतनी ही प्रिय है जितनी कि तुम हमें प्रिय हो। फिर माता पार्वती कहती हैं कि मैं देख रही हूँ कि स्वामी, आप उनकी बहुत प्रशंसा कर रहे हो, परंतु मैं एक बात सोच रही थी कि वे पैसों के बिना कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फिर माता पार्वती कहने लगी कि स्वामी, आपकी यदि आज्ञा हो तो मैं उनकी परीक्षा लेना चाहती हूँ। आप आज्ञा दीजिए तो मैं ऐसा करूँ। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि ठीक है देवी, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम उनकी परीक्षा ले सकती हो कि उनका भरोसा मुझ पर अटल है या कि नहीं। फिर माता पार्वती अपनी शेर की सवारी पर बैठ करके पृथ्वी लोक पर पहुंच जाती हैं। और उधर जो रमेश था अपने घर जा रहा था, उधर माता पार्वती ने एक बुढ़िया का रूप धारण किया और शेर को एक छोटी सी लड़की का रूप धरवा दिया। और रमेश जमींदार के घर से निकलने से पहले एक चिट्ठी अपनी पत्नी राधिका को लिख देता है। उस चिट्ठी में लिखा था कि राधिका, जब तक यह चिट्ठी तुम्हारे हाथों में होगी तब तक मैं आधे रास्ते तक पहुंच जाऊंगा। यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं पूरी तरह से कुशल मंगल हूँ और जमींदार जी मेरे काम से बहुत खुश हैं। उन्होंने एक खास चीज उपहार के तौर पर मुझको प्रदान की है। मैं तुम्हें घर आकर के इसके बारे में सब कुछ विस्तार से बता दूंगा कि मुझे उपहार में, गिफ्ट में मेरे सेठ ने मुझे क्या दिया है। इतना ही नहीं, मुझे एक बड़ा पद भी मिल गया है। अब तुम जल्दी से देखना, अब जो हमारी यह गरीबी है इसके दिन जल्दी से दूर हो जाएंगे और हम भी सुखी हो जाएंगे। तुम्हारी बहुत याद आ रही है और खास करके तुम्हारे हाथ के बने हुए जो आलू के पराठे हैं, वह मैं घर लौट करके खाना चाहता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, तुम्हारा रमेश। चिट्ठी को पढ़ते ही राधिका की आंखों से आंसू आ जाते हैं और कहने लगती है कि आखिर बहुत दिनों के बाद वे घर लौट रहे हैं, आज उनके लिए उनकी पसंद का खाना बनाती हूँ। और घर के अंदर जाकर के एक बड़े से डिब्बे का जब ढक्कन राधिका खोलती है तो वह डिब्बा एकदम खाली होता है। वह कहती है कि ऊपर वाले, इसमें से तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं है, उनके आने के बाद ही कुछ करती हूँ। उधर रमेश बैलगाड़ी में बैठ करके आ रहा था और मन में सोच रहा था, पता नहीं राधिका को मेरी चिट्ठी मिली है या नहीं। बहुत दिनों के बाद घर लौट रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। सेठ जी ने मुझे सोने का जो यह सिक्का दिया है उसे देख करके मेरी पत्नी राधिका क्या कहेगी, क्या पता आज से हमारी गरीबी समाप्त हो जाए। फिर रमेश बैलगाड़ी वाले से कहता है कि अरे भैया, थोड़ा जल्दी कीजिए, मुझे जल्दी से घर पहुंचना है। फिर बैलगाड़ी वाले ने कहा कि हाँ बेटा, चल ही तो रहा हूँ। जैसे ही रमेश की बैलगाड़ी गांव के करीब पहुंचने वाली थी तो रास्ते में माता पार्वती और उनकी जो सवारी थी शेर, वह एक
बेटी का भेष बनाए हुए उनको मिल जाते हैं। फिर माता पार्वती रमेश और उस बैलगाड़ी वाले को आता देख करके उस लड़की को मारने लगती है और कहती है कि मर क्यों नहीं जाती कलम ही कहीं की। यह सुनकर के रमेश बैलगाड़ी को रुकवाता है और उनके पास जाता है और कहता है, क्या बात है, इस बच्ची को तुम क्यों मार रही हो, क्यों डांट रही हो। वह बुढ़िया जो माता पार्वती थी कहने लगी कि देखो बेटा, इसके पिताजी सवेरे से काम के लिए बाहर गए हैं, पैसे लेकर के घर आएंगे तभी तो खाना मिलेगा। यह इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ रही है, क्यों नहीं, यह पता नहीं कैसे जीवित है या मर क्यों नहीं जाती कलम ही कहीं की, मुझे रोज रोज परेशान करती है। फिर रमेश कहता है, अरे नहीं नहीं, आप इसे मत डांटो। फिर बुढ़िया कहती है कि यह समझती नहीं है, ऊपर से घर का मालिक कहता है कि किराया दो नहीं तो यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूंगा, मैं क्या करूं बेटा, ऐसी स्थिति में इस छोटी सी लड़की को लेकर के मुझे भीख मांगना पड़ेगा। फिर रमेश के मन में सोचता है, वह यह तो बहुत बड़ी तकलीफ में है और मेरे पास सेठ का दिया हुआ या जो सोने का सिक्का है इसके अलावा तो और कुछ नहीं है, अब मैं क्या करूं, वो सोने का सिक्का मैं इन्हीं को दे देता हूं। फिर रमेश कहता है कि माताजी आपका क्या नाम है। वह माताजी जो बुढ़िया थी वह कहने लगी कि मेरा नाम गौरी है। फिर रमेश फिर पूछता है कि आपके जो पति हैं उनका क्या नाम था। वह बुढ़िया कहती है कि मेरे पति का नाम भोला है और वह काम करने के लिए बहुत दूर गए हैं, परदेश गए हैं। फिर रमेश कहता है कि अरे आप भोला भैया की पत्नी हैं, मैं तो आप ही को ढूंढ रहा था, यह लीजिए यह भोला भैया ने आपके लिए धन भेजा है, मेरे पास ही वह काम करते हैं और मैं उनको भली भांति जानता हूँ, मेरे आने तक उन्होंने यह सोने का सिक्का मुझे दिया था और कहा था कि यह मेरे घर पहुंचा देना, मैं आपको यह सोने का सिक्का देने ही जा रहा था, अच्छा हुआ जो आप यही मुझे मिल गई। इतना कहकर के रमेश ने वह सोने का सिक्का उस बुढ़िया के हाथ में थमा दिया। फिर वह बुढ़िया कहती है कि तुमने तो मुझे बचा लिया और ठीक ठाक है तो ना, वो वहां पर सही सलामत है कि नहीं है। फिर रमेश कहता है कि हाँ वे बड़े अच्छे हैं, अब तो मैं चलता हूँ। इतना कहकर के रमेश वहां से चल पड़ता है। फिर बुढ़िया कहती है कि मेरा आशीर्वाद बेटा तुम्हारे साथ है। फिर वह बुढ़िया और वो लड़की वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद रमेश सोचता है कि मैंने तो जो भी हमारे पास धन था यह सब इनको दे दिया है, अब मैं जब घर जाऊंगा तो अपनी पत्नी राधिका से क्या कहूंगा, इस धन से मेरे घर की हालत थोड़ी सी सुधर जाती, आपकी कैसी लीला है प्रभु, भगवान से कहने लगा। उधर माता पार्वती भगवान शिव के पास कैलाश पर पहुंचती हैं और सारी घटना बता देती हैं। भगवान शिव कहते हैं कि देवी तुम्हारे बिना यहाँ मुझे कैलाश सोना सोना दिखाई दे रहा था। फिर माता पार्वती अपने आसन पर वहीं पर विराजमान हो जाती हैं। फिर भगवान शंकर जी कहते हैं, कहिए देवी जो कुछ मैंने कहा था क्या वह सत्य साबित हुआ कि नहीं, मैं तुम्हारी प्रतिक्रिया को जानना चाहता हूँ कि वह धरती रोग पर क्या हुआ। फिर माता पार्वती कहने लगी कि स्वामी आपने बिल्कुल सत्य कहा था, रमेश बिल्कुल ही निर्भीक है और बड़ा ही दयालु है, देखिए उसे जो भी पुरस्कार मिला था वह सब उसने मुझे दे दिया, उसने जो भी उसके पास जो भी धन था जो भी पैसे थे वह सब मुझको दान कर दिया, यही तो मेरी प्राप्ति है, उसने एक बार के लिए भी जरा सा संकोच नहीं किया कि वे लोग कितने गरीब हैं, इस सोने के सिक्के को बेच करके उनकी गरीबी सदा के लिए समाप्त हो सकती है और उनसे वे कोई कारोबार कर सकते हैं। भगवान शिव कहने लगे कि तुम सत्य कहती हो देवी, अभी भी उस दंपत्ति के मन में दुख और व्यथा अवश्य है। माता पार्वती कहती हैं कि स्वामी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, अभी भी उनके मन में दुख क्यों है, वो तो परीक्षा में पास हो गए हैं फिर ऐसा क्यों है। भगवान शिव कहने लगे कि देवी तुम जानती हो उन दोनों का मन बिल्कुल सोने की तरह है, उनको जितना तपाएंगे उनकी मनुष्यता उतनी ही निखर करके सामने आएगी और वे दोनों पवित्र हो जाएंगे, ये दोनों जो पति पत्नी हैं किंतु एक बार उनकी परीक्षा मैं स्वयं लूंगा, यदि वे मेरे द्वारा ली गई परीक्षा में पूरी तरह से उत्तीर्ण हो जाते हैं तो इस असत्य के संसार में सदा सदा के लिए सत्यता की स्थापना हो जाएगी। उधर रमेश को घर पहुंचने में जब थोड़ा सा विलंब हो जाता है और उसकी पत्नी घर में बना हुआ जो मंदिर था उसके पास हाथ जोड़ करके बैठ जाती है और भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगती है कि हे भोलेनाथ उन्हें अच्छी तरह से घर लौटा दीजिए, मैं यही चाहती हूँ उनका ख्याल रखना। तभी घर के बाहर से आवाज आती है, राधिका दरवाजा खोलो मैं आ गया हूँ। फिर राधिका कहती है, ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है, तुमने मेरी कितनी सहायता की है और तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो, भाई मैं आपसे प्रार्थना कर ही रही थी कि आपने उन्हें घर पर बिल्कुल सही सलामत भेज दिया है। फिर वह दरवाजा खोलती है और कहती है कि आप आ गए,
बड़ी प्रसन्नता हुई आपको देख करके, कितने दिनों के बाद आप आइए, अंदर आइए। फिर रमेश घर के अंदर आता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम तो बहुत दुबली हो गई हो। फिर राधिका कहती है कि आपने चिट्ठी में लिखा था ना कि आपकी तरक्की हो गई है और सेठ जी ने आपको खुश होकर के आपको भेंट भी किया है, अब तो बहुत सारा खाना आप मुझको खिलाएंगे और वह खा करके मैं फिर से दुबली सी मोटी हो जाऊंगी। इतना कह करके वह दोनों पति पत्नी हंसने लगे। फिर राधिका कहती है क्या हुआ, आप इतना उदास क्यों हैं। रमेश कहता है कि अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं सब कुछ लेकर के घर आ रहा था लेकिन गांव के बाहर एक बुढ़िया एक छोटी सी लड़की को मार रही थी और उनकी जब स्थिति मैंने देखी तो वह मुझसे भी दयनीय थी, इसलिए मुझे उन पर दया आ गई और जो भी मुझे उपहार में पैसे रुपये मिले थे वह सब मैंने उस बुढ़िया को दे दिया। इतना सुनने के बाद उसकी पत्नी राधिका ने कहा कि इसमें उदास होने की कोई बात नहीं है। रमेश ने कहा कि मैं इतना गरीब हूँ कि तुम्हें दो वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खिला सकता। राधिका कहती है मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से रह रही हूँ और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, वैसे भी खाने पीने से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका मन और आपका दयालु यह हृदय, सच कह रही हूँ मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। रमेश कहता है कि मैं तो घर खाली हाथ आया हूँ। राधिका ने कहा आप जो दान करके आए हैं उसके लिए आप दुखी मत होइए, सच कह रही हूँ आप पर मुझे बहुत बड़ा गर्व है, आपने बहुत अच्छा काम किया है। रमेश कहता है लेकिन अब मैं क्या करूँ, घर का खर्च कैसे चलाऊं। तो राधिका ने कहा कि आप एक काम कीजिए, जो सामने वाली जमीन है वह खाली पड़ी है, वहां पर खेती कर लीजिए। रमेश कहता है तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो राधिका, अब मैं खेती करूंगा, अगर हमारा मन साफ है तो ऊपर वाला हमारा जरूर मदद करेगा और मेरी हर इच्छा को वह पूरी करेगा, क्योंकि जो दूसरों की मदद करता है उसका कभी अहित नहीं होता। राधिका कहती है चलो आज खाने का बंदोबस्त हो जाएगा, मैं पड़ोसन से लेकर के आई हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। फिर अगले दिन रमेश सामने वाली जमीन को फावड़े से खोदता है और उस जमीन में बैल चला करके उसे बोने के योग्य जमीन बना देता है और उसमें गेहूं की फसल बो देता है। गेहूं की फसल उसमें बड़ी अच्छी तरीके से पैदा होती है और जब वह बड़ी हो जाती है तो उसमें गेहूं की बाली आने वाली होती है। यह देख करके रमेश और उसकी पत्नी राधिका बहुत प्रसन्न होते हैं। राधिका कहती है कि आप देखिए अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है और उसी बारिश के साथ भयंकर तूफान आ जाता है। रमेश और उसकी पत्नी राधिका जब उठ करके अपने घर से बाहर निकल करके आते हैं और अपने खेत की फसल को देखते हैं तो तभी उनकी झोपड़ी जो थी वह हवा के झोंके से उड़ जाती है। देखते ही देखते वहां सैलाब आ जाता है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि पूरा खेत पानी से भर जाता है और वह डूब जाता है। उनके घर के मंदिर में रखा हुआ जो भी कलश था वह बाहर निकल करके बह जाता है। उसकी पत्नी उसे उठा करके रोने लगती है। फिर अगली सुबह जब पानी उतर जाता है तब वह अपने खेत में जाकर देखते हैं तो पूरी फसल बर्बाद हो चुकी होती है, पूरा घर पानी में डूब करके टूट चुका होता है। फिर रमेश कहता है कि हे भगवान तुम किस जन्म की परीक्षा ले रहे हो, अब हम क्या करेंगे, या कह करके रमेश फूट फूट कर रोने लगता है। राधिका कहती है कि बस कीजिए आप रोइए मत, ऊपर वाली हमारी जरूर मदद करेगा, वह तो हमारी परीक्षा ले रहा है, आप देखिए सब कुछ पहले से भी अच्छा हो जाएगा। उधर माता पार्वती भगवान शिव से कहती है कि स्वामी आप उन पर दया कीजिए, उनकी और परीक्षा मत लीजिए, वे लोग बहुत गरीब हैं और उनका कष्ट मैं नहीं देख सकती। भगवान शिव जी कहते हैं स्वयं का धर्म और कर्म यही उनके सपनों को साकार करता है, इसके लिए और कुछ नहीं चाहिए। बात को समझो देवी, चारों तरफ से अंधकार छाया हुआ है, इस अंधकार की भूख से ही सूर्य का उदय होता है, उसे दूर करने के लिए ही सूर्य निकलता है, जब तक सूर्य नहीं निकलता तब तक अंधकार ही रहता है और प्रकाश नहीं रहता, लेकिन जैसे ही सूर्य निकलता है अंधकार समाप्त हो जाता है और प्रकाश फैल जाता है। इन दंपत्ति के हाथों से ही सत्य की स्थापना होगी और सत्य ही सदैव विजय रहता है और असत्य पराजित होता है। वे दोनों सत्य के प्रतिनिधि हैं। उधर रमेश और उसकी पत्नी राधिका एक शिव मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं और रमेश अपने मन में कहता है कि हे भोलेनाथ कौन सा पाप किया था मैंने जो आप इतने कष्ट हमको दे रहे हो, मैं राधिका को और इस गरीबी में नहीं देख सकता, हे भोलेनाथ मेरी प्रार्थना सुन लो। तभी मंदिर के दूसरी तरफ से भगवान शिव प्रकट होते हैं और एक बूढ़े आदमी का रूप बना करके वे रमेश के सामने आ जाते हैं और उनके सामने एक सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली को गिरा करके वे आगे बढ़ जाता है वह बूढ़ा।
फिर रमेश आवाज लगाता है, बुलाता है कि अरे बाबा जी सुनिए, आपके पैसों से भरी थैली यहाँ पर गिर गई है। फिर भी वह बूढ़ा बाबा नहीं रुकता है और वह चलता ही रहता है। तभी रमेश उठ करके उनके पीछे जाता है और कहता है, अरे बाबा सुनिए, यह आपकी पैसों से भरी थैली है। फिर यह बूढ़े बाबा कहते हैं, बहुत उपकार किया है बेटा तुमने, मेरे जीवन भर की कमाई इस थैली में रखी हुई थी, इसे लौटा करके तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। वरना ऐसे जमाने में सबके मन में लालच भरी होती है, ऐसा कौन करता है, किसी का धन कौन लौटाता है। रमेश कहता है, नहीं नहीं, दूसरे का सामान लौटाना तो मनुष्य का कर्तव्य है, जो उसकी कमाई नहीं होती है उस पर उसका कोई हक नहीं होता है। बूढ़े बाबा कहते हैं, तुम बहुत ही सच्चे इंसान हो, वरना इस दुनिया में बस झूठे लोग ही भरे पड़े हैं। उन सबके बीच तुम बहुत ही बड़ा उदाहरण बनोगे बेटा, तुम्हें देख करके लगता है कि तुम बहुत गरीबी में जीवन जी रहे हो, फिर भी तुम्हारे मन में लोभ लालच नहीं आया, यह बड़ी बात है। देखना, इस सत्य का फल तुम्हें एक दिन अवश्य मिलेगा, यह मेरा आशीर्वाद है। इतना कह करके वह बूढ़ा वहां से चला जाता है। फिर रमेश और उसकी पत्नी अपनी टूटी हुई झोपड़ी में वापस चले जाते हैं। रात के समय राधिका रमेश को एक गिलास पानी देती है और कहती है, यह लीजिए, आज केवल पानी पी करके ही रात को गुजारना पड़ेगा, क्योंकि आज खाने के लिए कुछ नहीं है, ऐसे में तो बुखार आ जाएगा, ऊपर से घर की छत भी नहीं है। फिर रमेश रोते हुए कहता है कि हे भोलेनाथ, मुझे माफ कर दो, मैं और यह नहीं सह सकता इतनी गरीबी, अब मेरे अंदर सह शक्ति नहीं है प्रभु। तभी उनके घर के बाहर एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। रमेश और उसकी पत्नी राधिका घर के बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि वही बुढ़िया और बच्ची और वही बूढ़े बाबा तीनों एक साथ दिखाई देते हैं, और थोड़ी ही देर में वे तीनों भगवान शिव, माता पार्वती और उनका वाहन सिंह के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। रमेश कहता है, राधिका, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, भगवान शिव और माता पार्वती साक्षात हमारे सामने खड़े हैं। राधिका कहती है, यह सपना नहीं है स्वामी, यह तो हकीकत है, देखिए भगवान शिव हमारे बुलावे पर आ गए हैं। फिर दोनों पति पत्नी कहते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती की जय हो। इतना कह करके वे दोनों पति पत्नी भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में गिर पड़ते हैं, और माता पार्वती कहने लगती है कि तुम्हारा इतना साफ मन देख करके हम बहुत प्रसन्न हो गए हैं, ये जो हमने तुम्हारे पैसे लिए थे, तुम्हारी परीक्षा के कारण मैंने यह पैसे लिए थे, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि तुम्हारा मन कितना साफ है। इस सृष्टि के सारे लोग हमेशा याद रखेंगे। भगवान शिव कहते हैं कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज के बाद तुम्हें कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा, और तुम सदैव सुखी रहोगे, और आज के बाद से तुम जीवन में हमेशा उन्नति करोगे, गरीबी तुम्हारे जीवन से सदा के लिए दूर हो जाएगी। रमेश कहता है, आपकी कृपा दृष्टि प्रभु हम पर बनी रहे, जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें आए वह सदैव केवल सही राह पर चल करके ही समाप्त हो जाए, ऐसा आशीर्वाद मुझे आप दीजिए। भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ही राधिका और रमेश को, उन दोनों पत्नी को आशीर्वाद दे करके वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब रमेश अपनी पत्नी राधिका जो थी वह उसके साथ अपने घर को वापस जब आता है तो देखता है कि वह दोनों थैलियां उसी के घर में पड़ी हुई थी। एक थैली तो वो थी जो रमेश को जमींदार ने दी थी, और दूसरी थैली वो थी जो बूढ़े बाबा ने सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। अब वह उस धन से अपनी पत्नी और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रहने लगे, और उनके जीवन में जो भी कष्ट था, उनकी जो भी गरीबी थी, वो सब कुछ दूर हो गया, भगवान शिव की कृपा उन पर हो गई। दोस्तों, इस कहानी को सुनने मात्र से ही भगवान शिव की कृपा हो जाती है। दोस्तों, भगवान शिव और माता पार्वती की यह कहानी आपको कैसी लगी है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।